हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी जिमीकंद या सूरन खाना पसंद नहीं है और आपके भी स्टेट में सूरन खाना बहुत ज़रूरी होता है दिवाली के दिन, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैंने आपके साथ सूरन के वड़े बनाने की रेसिपी शेयर की है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और फुल ऑफ फ्लेवर्स होते हैं और जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सूरन के यम्मी वाले और टेस्टी वाले वड़े। सूरन के वड़े या जिमीकंद के वड़े बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम सूरन लिया है और इसको मैंने छील के साफ कर लिया है, धो लिया और ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। इसे काटने से पहले आप हाथ में मस्टर्ड ऑयल जरूर लगा लीजिएगा। इस तरह से हम इसके भी बड़े बड़े पीसेस काट लेंगे और इसके साथ ही मैंने 1/4 कप चना दाल लिया है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। और ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हरी मिर्च ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मैंने स्टीमर में पानी गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ये स्टीमर की प्लेट रख रही हूँ। अब मैं इसमें ये कटे हुए सूरन के पीसेस डाल रही हूँ, सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची भी मैंने काट ली है, इसको भी इसी में मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये जो सोक करके हमने चना दाल लिया था ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, ये भी साथ में ही स्टीम हो जाएंगे। हम इसको ढक करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे जो सूरन है वो भी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इसको हम चेक करेंगे चाकू से, इसको काट के देखेंगे अंदर से ऐसे दबाकर, ये अच्छे से आराम से चाकू इसके अंदर चला जा रहा है, मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इस तरह से आप काट के देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे मैशर से मैश कर देंगे अच्छे से। इस तरह से ये आराम से मैश हो जाएंगे। हम इसको बॉयल भी कर सकते थे पर इसको बॉयल करने से इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और पानी की क्वांटिटी हमको इसमें कम चाहिए ताकि इसका एक डो, एक गाढ़ा बैटर तैयार हो सके। तो इसलिए मैंने इसे बॉयल नहीं किया। आप चाहे तो इसको बॉयल करके भी बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने 1/2 कप सूजी लिया है, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। मैंने कुछ मसाले लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खाने वाला सोडा, मैंगो पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा। ये सब मसाले मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ मैंने बारीक कटी हुई धनिया ली है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैंने सूजी इसमें इसलिए डाली क्योंकि सूजी जो है इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा इसमें उसको सोक कर लेगा और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग देगा। तो आप सूजी की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका एक डो जैसा रेडी कर दीजिए जिससे हमें इसको शेप देने में आसानी होगी। अब हमने सूजी इसमें डाली है तो इसलिए हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ढककर इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इस डो को ढककर रखे हुए। अब हम इसे हटा देंगे इसके कवर को और फिर से एक बार हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इस बैटर से या इस डो से वड़ों को शेप देंगे। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके एक बड़ा सा बॉल लूंगी। पानी लगाने से ये हमारे हाथों में कम चिपकेगा। तो इस तरह से आप एक बड़ा सा बॉल लीजिए और इसको ऐसे गोल कर लीजिए और फिर दूसरे हाथ में भी हल्का सा पानी लगा कर इसे प्रेस कर लीजिए, ऐसे फ्लैट कर लीजिए इस तरह से, और बीच में फिंगर से ऐसे होल बना दीजिए। ये देखिए इसका शेप कितना अच्छा आया है ना।
ये और हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। तो इस तरह से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। हमारा ऑयल मीडियम गरम हो चुका है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के, हमको ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, हमको इसी तरह का गर्म ऑयल चाहिए। परफेक्ट हमारा ऑयल गर्म है। अब हम इसमें ये वड़े डाल देंगे। इन वड़ों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है और कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है और ये कितने क्रिस्पी भी लग रहे हैं और देखने में भी बहुत यमी लग रहे हैं। तो जिन्हें भी सूरन नहीं पसंद, जिनको ज़बरदस्ती सूरन खिलाया जाता है, तो वो लोग ये रेसिपी इस दिवाली में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके वड़े कैसे बने। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और यमी बने हैं, आप देख ही सकते हैं। मैंने सारे वड़ों को पलट लिया है और इनका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया है और ये एकदम क्रिस्पी बने हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसी तरह हम सारे वड़ों को तैयार कर लेंगे। जो वड़े मैंने पहले डाले थे वो एकदम तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी प्लेट में। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते होंगे। देख रहे हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए इसका टेक्सचर अंदर से कितना अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है। कोई कह नहीं सकता ये सूरन के वड़े हैं। चलिए इन सूरन के वड़ों को हम सर्व करते हैं। ये टमाटो केचप मैंने लिया है। अब इन वड़ों को हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। बहुत यम्मी दिख रहे हैं ना। तो जो लोग सूरन नहीं खाते हैं और दिवाली में उनके यहाँ सूरन खाना बहुत ज़रूरी होता है, वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सर्व कर दिया। इसके साथ में ये प्याज के स्लाइसेस कुछ रख दूंगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपको इसके साथ अच्छा लगे वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये कुछ हरी मिर्च हम इस पे ऐसे लगा देंगे और ऊपर से ये थोड़ा सा हरी धनिया हम इस टमाटो के अचप पे, ये अच्छा दिखेगा। और इस तरह से इस पे भी स्प्रिंकल कर देंगे तो हमारे डिश में बिल्कुल एकदम फैंसी लुक आ जाएगा, रेस्टोरेंट जैसा। तो आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।